एनालिसिस के साथ बताने वाला कि पुष्पा टू डे वन में कितना कमाने वाली है क्या 300 करोड़ आने वाला है अगर तो आने वाला है तो कैसे अगर कर दो यार, करना छोड़ दिया है भाई क्या करते हो एंड सब्सक्राइब भी करो सबसे पहले गाइज मैं आपको ना कुछ रिकॉर्ड बता दू जो आज से पहले किसी इंडियन फिल्म ने भाई साहब क्रिएट नहीं किए सिर्फ पुष्पा टू ने क्रिएट किए सबसे पहले नंबर वन रिकॉर्ड है बुक माई शो टिकट सोल्ड आउट यानी कि भाई साहब बुक माई शो के ऊपर जो प्री सेल्स है ना उनमें नंबर वन पर फिल्म थी लियो लियो ने भाई साहब बुक माई शो के ऊपर प्री सेल में सिक्सटीन पॉइंट एट सिक्स लैख यानी कि आप कह सकते हो 1.6 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट की थी पुष्पा टू ने वन डे बिफोर अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है ना और सुबह ही भाई पुष्पा टू ने ये रिकॉर्ड बीट कर दिया था वन डे बिफोर पुष्पा टू ने 1.9 मिलियन यानी कि एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो 19 लाख टिकट सोल्ड आउट कर लिए थे नाइनटीन लैख्स मार्जिन चेक करो आप एक दिन पहले

वीडियो बनाई थी तो इतने थे जवाब देख रहे हो तो इतने हैं इस स्पीड के साथ भाई आगे बढ़े है तो पुष्पा टू बुक माई शो की प्री सेल्स पे नंबर वन पर है इतना नहीं मैं आपको बताऊं इससे पहले जितनी भी तेलुगू मूवीज आई हैं तेलुगू के अंदर जिस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर सबसे ज्यादा प्री सेल्स की थी वो थी कल लगभग 1.1 मिलियन यानी कि 11 uh, कह सकते हैं 11 116000 ये पता नहीं फिगर्स क्या बन जाते हैं लेकिन पुष्पा 2 ने भाई साहब 1.9 मिलियन टिकट्स होल्ड आउट कर ली है वो भी भाई देखो एक दिन पहले यानी कि कितनी बड़ी तेलुगु में लीड ली है आप सोच कर देखो तेलुगु में कितनी बड़ी लीड है भाई कल्कि ने सबसे ज्यादा सेल सोल्ड आउट किए थे 1.1 मिलियन और पुष्पा 2 ने भाई साहब एक दिन uh, one day before 1 डे बिफोर 1.9 मिलियन राजंस के अंदर भाई पुष्पा टू ने ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया नंबर वन रिकॉर्ड था केजीएफ टू का राज में थर्टी टू थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए थे छह घंटे भी, भी रहते थे पुष्प टू ने थर्टी थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री पॉइंट फाइव थाउजेंड टिकट होल्ड आउट कर लिए थे दिस इज द रिकॉर्ड इसके बाद गई मैं यहां पर आपको अब लेकर चलता हूं जरा कुछ और डाटा की तरफ और वो डाटा है ट्रिपल आर का आप सबको पता है कि अभी इससे पहले नंबर वन फिल्म है ट्रिपल आर जिसने डे वन में ओवरसी से टू ट्वेंटी फोर करोड़ किए उसकी एडवांस बुकिंग देखते हैं कि भाई सब उसने एडवांस बुकिंग में क्या किया था और पुष्पा टू क्या करिए क्योंकि पुष्पा टू ने एक तरफ से देखा जाए तो ट्रिपल आर टू करोड़ का रिकॉर्ड बीट करना है ना तो भाई ट्रिपल आर ने तेलगू में टू डी थ्री डी ट्रिपल आर थ्री डी में भी आई थी लेकिन ट्रिपल आर के थ्री डी की भी टिकट प्राइस इतनी हाइक नहीं थी जितनी पुष्पा टू के टू डी की टिकट प्राइस हाइक है ये याद रखना तो यहाँ पर तेलुगु टू डी थ्री डी मिला के ट्रिपल आर ने फोर्टी एट करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी 48 करोड़ और अगर मैं पुष्पा टू का बताऊँ तो अभी वन डे बिफोर पुष्पा टू ने सिर्फ और सिर्फ तेलुगु थ्री क्योंकि अब तेलुगु टू क्योंकि अब आपको पता है थ्री तो ख़त्म है थर्टी करोड़ कर लिया है और अभी वन डे पूरा रहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंकड़े फोर्टी करोड़ प्लस चले जाने चाहिए चले जाएंगे ईजीली चले जाएंगे यहां पर अगर मैं आऊं हिंदी में तो हिंदी में ट्रिपल आर ने टू डी थ्री डी इंक्लूडिंग आई टोटल सात करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी जस्ट सेवन करोड़ की एडवांस बुकिंग ट्रिपल आर ने और यहां पर भाई साहब अगर मैं पुष्पा टू की बात करूं तो इसने हिंदी में वन डे एक पूरा दिन रहता है ट्वेंटी करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है मतलब आप देखो डबल से भी कई गुना ज्यादा उसके बाद अगर तमिल में आओ तो तमिल की टोटल एडवांस बुकिंग 2.4 करोड़ करोड़ हुई थी और भाई साहब यहां पर पुष्पा 2 यानी कि तक जाने वाली है मलियाला में 50 लाख की बुकिंग करना में 6 लाख की बुकिंग पुष्पा इनको भी बीट करने वाली है और यहां पर भाई साहब टोटल एडवांस बुकिंग हो गई थी फिफ्टी करोड़ और भाई साहब पुष्पा टू ने वन डे बिफोर ये एडवांस बुकिंग बीट कर दी है सिक्सटी करोड़ जब लास्ट हमने देखा था अभी तो सिक्सटी करोड़ क्रॉस हो गया होगा अब ट्रिपल आर की डे वन, वन में क्या क्या किया था ट्रिपल आर ने तेलुगु लैंग्वेज में डे वन में नेट कलेक्शन की थी वन जीरो थ्री करोड़ 103 करोड़ रिसेंट अभी देवरन ने भी 100 करोड़ क्रॉस की है तो क्या पुष्पटो नहीं कर सकती हिंदी में आया था ट्रिपल आर का 20 करोड़ तमिल 6.5 करोड़ मलयालम 3 करोड़ कनाडा 20 लाख और टोटल 133 करोड़ कमाया था 133 की ग्रॉस बनी थी 156 ओवरसीज 67 टोटल 223 करोड़ अब आ जाओ भाई साहब यहां पर पुष्पा टू पे के पुष्पा टू डे वन में कितना करने वाली है रिलैक्स होकर सुनो कि मैं क्या कहने वाला हूं सबसे पहले मैं आपको वो नंबर्स बताऊंगा कि अगर कम से कम भी आया तो इतना आएगा उसके बाद मैं आपको ज्यादा से ज्यादा से बताऊंगा कि जो भाई साहब इतना आने के चांसेस बिल्कुल है लेकिन पहले कम से कम देखते हैं क्योंकि guys, दोनों सिचुएशन देखनी है ना अफकोर्स दोनों सिचुएशन हमेशा देखनी चाहिए हम अपनी एक्सपेक्टेशन को कर लेते हैं बहुत ज्यादा हाई अब मैं आपको गारंटेड बोलता हूं हम सारे सोच रहे हैं ना कि 300 करोड़ डे वन में आएगा मान लो आ जाता है 250 करोड़ मुझे बताओ क्या 250 करोड़ कम है आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता भाई ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन हम अपने माइंड में 300 करोड़ बिठा लिया हमने जब 250 करोड़ आया तो हमें उस तरह की वाइब नहीं आई तो दैट्स वाई मैं आपको कम से कम बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा आपने ये दोनों लेकर चल लिया कि मिनिमम इतना आएगा और मैक्सिमम इतना तेलुगु से तो मैं 100 करोड़ नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं हिंदी से मैं मैं 55 55 करोड़ करोड़ कर कर रहा रहा सबर जो, आगे चलकर जाते हैं ज़्यादा ये मिनीमम। मतलब फिलहाल देख रहा हूं। आ, 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 क्या नाम है हिंदी में पुष्प मजाक ही लेकिन मिनिमम तमिल पांच करोड़ मलयालम पांच करोड़ कन्नड़ा पचास लाख टोटल हो जाता है 165 करोड़। आज से पहले किसी इंडियन फिल्म ने 165 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं की तो यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर पुष्पा 2 ना कम से कम भी कमाया तो वो इतनी कलेक्शन होगी कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म 133 करोड़ ट्रिपल आर उसका रिकॉर्ड बीट होगा खैर 165 करोड़ को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करता हूं तो लगभग 190 करोड़ ओवरसीज से आपको मैंने बताया था कि $10 million की prediction है, $4 million तो भाई साहब कल booking हो गई थी, आज पूरा दिन है, तो रिपोर्ट बताऊंगा लेकिन मान लो कि भाई साहब टेन मिलियन डॉलर्स की प्रिडिक्शन है ना नाइन मिलियन लेकर चलते हैं नाइन मिलियन डॉलर्स ये बनते हैं सेवन सिक्स करोड़ टोटल हो गया टू सिक्सटी सिक्स करोड़ यानी कि कम से कम भी पुष्पा टू ने कमाए 250 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली है नंबर मेरे पास 266 करोड़ है यानी कि 260 करोड़ तक तो भाई साहब बिल्कुल आने ही वाला है लेकिन मान लो कि कल पुष्पा टू क्योंकि आपको पता है रात को प्रीमियर्स भी है रिव्यूज बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा मेरा अपना रिव्यू बड़ा जल्दी आएगा तो भाई मान लो फिल्म निकल आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के भाई क्या चीज बना दी ये हो गया वो हो गया पब्लिक हो जाए पागल तो उसके बाद का मैं आपको सिनेरियो बताता हूं तेलुगु फिर लगभग 105 करोड़ प्लस के नेट कलेक्शन होगी पहले 100 करोड़ फिर 105 करोड़ जाएगी भाई प्लस हिंदी में 65 करोड़ का रिकॉर्ड इजीली बीट होगा यानी कि जवान का कमिल की बात करो तो सेवन करोड़ आएगा मलयालम में मैंने पहले भी पांच करोड़ लिखा अभी भी 5 करोड़ ही लिखूंगा कन्नड़ा की बात करो तो नेट कलेक्शन और मैं आपको बता दूं सबसे बड़े जो रिकॉर्ड है ना वो बाहुबली टू ट्रिपल आर के हैं जिन्होंने ग्रॉस लगभग इसके आसपास की थी कि वन सिक्सटी करोड़ के आसपास अगर पुष्पा टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी निक, उडिनरी निकलती है तो ये 183 यानी कि 180 करोड़ तक की नेट कलेक्शन कर सकती है मार्जिन देखो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 133 करोड़ नेट कलेक्शन पुष्पा टू 180 करोड़ करती है तो मतलब 50 करोड़ की लीड दिस इज वेरी ह्यूज इतना नहीं 183 करोड़ की नेट कलेक्शन ग्रॉस बनती है दो करोड़ के आसपास टू करोड़ ओवरसीज पहले नाइन मिलियन लगाया अब टेन मिलियन लगाएंगे ना टेन मिलियन डॉलर पैसा बा सकते हैं जो कि एटी फोर करोड़ बनता है अगर इतना बनता है तो ये टोटल हो जाता है टू हंड्रेड एंड नाइनटी करोड़ 290 करोड़ ज्यादा से ज्यादा और 260 करोड़ कम से कम मतलब दो सौ नब्बे करोड़ का मतलब देखो ये जो मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना इनमें पांच से दस करोड़ ऊपर नीचे है टू नाइनटी बताया तो आप बिल्कुल तीन सौ करोड़ मार सकते हो यानी कि अगर आज प्रीमियर आपको पता है पुष्पा टू को हर तरफ से फायदा है भाई इसका क्लैश नहीं है भाई ये यूनिक है यूनिक रिलीज डेट है इसकी भाई ओवरसीज में पूरे की पूरे ओवरसीज में प्रीमियर है ये नहीं कि सिर्फ गल्फ में प्रीमियर हो ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर हो नहीं पूरे के पूरे भाई सब ओवरसीज में प्रीमियर है सॉरी प्रीमियर के साथ में बात प्रीमियर की बात आ गई आई रिलीज है मैंने IMAX बोलना था मैं प्रीमियर बोल गया ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर नहीं है और कई भाई साहब ऐसे ओवरसीज कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रीमियर नहीं है मैंने IMAX बोलना था कि पूरे की पूरे ओवरसीज में IMAX रिलीज है उसके बाद आप अगर यहाँ पर इंडिया में आओ प्रीमियर शोज जो के आज लैंग्वेज में रात को साढ़े नौ जिनकी एडवांस दो हजार प्लस नॉर्मल है भाई उससे ऊपर ही है उसके बाद अगर कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई साहब आ जाता है रेस्पॉन्स डे वन तीन सौ करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताऊं तो पुष्पा टू डे वन में एक ऐसा रिकॉर्ड ठोकने वाली है ना अपकमिंग अपकमिंग मुझे एक से दो मूवीज या तीन मूवीज ऐसी नजर आ रही हैं जो कि ये रिकॉर्ड बीट करेंगी उस पर भी मेरी वीडियो जरूर आएगी मैं जो देख रहा हूं ना वो बहुत बहुत अनबिलीवेबल है ये अभी मेरी बात में भी आपको समझ ना आई लेकिन परसों जब भाई साहब इसी टाइम तो नहीं खैर दिन के टाइम पोस्टर आएगा डे वन का उस टाइम सोशल मीडिया ऐसे फट आ जाएगा। कि भाई ये अर्जुन ने क्या कर दिया अल्लू अर्जुन इतनी बड़ी लीड लेने वाले इतनी बड़ी कोई इमेजन नहीं कर सकता तो कलेक्शन नंबर जो कि मुझे लगता है, कि आ सकते है अब आप लोग मुझे बताओ मिनिमम टू तो सिक्स करोड़ मैक्स टू नाइन ओवर ऊपर नीचे दस भाई साहब पांच दस करोड़ नंबर हो सकते हैं तो तीन करोड़ डेफिनेटली हम मान के चल सकते हैं लेकिन